हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे कद्दू का सब्जी। कद्दू का सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे कलौंची। कलौंची भी हम थोड़ा सा डाले हैं। एक कद्दू को हम धोकर काट कर रख लिए थे। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार हम इसमें डालेंगे एक पिंच हल्दी। हम ये मसाला वाला सब्जी नहीं बना रहे हैं, हम बनाएंगे इसमें पोस्तू, जिसे खसखस और पॉपुलर कहते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, ये बनाने में बिल्कुल ही सिंपल है और इसमें जब मसाला वसाला कुछ नहीं लगेगा। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ये बंगाली स्टाइल का लाओ पोस्तू है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप। यहाँ पे हम लिए हैं 50 ग्राम पोस्तू और 2 हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाएंगे उतना हरी मिर्च दे सकते हैं। हम इसे पीस कर तैयार कर लिए हैं। आइए देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें हमारा थोड़ा सा पानी है। पानी को हमें पूरा से सोखने देना है। ये देखिए फ्रेंड, पानी हमारा पूरा सोख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ पोस्तू। इसमें फ्रेंड थोड़ा सा पानी डालेंगे। पोस्तू को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोस्तू डालकर हमें सब्जी ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए, बस हमें थोड़ा 2 मिनट तक और पका लेंगे और सब्जी हमारी बनकर रेडी हो जाएगी। फ्रेंड, आप इसे चावल दाल के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड? अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। यहाँ पे हम आधा चम्मच थोड़ा सा चीनी डाल देंगे। चीनी से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। लाइक कमेंट करके बताइए फ्रेंड कैसे।